एक आता है डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। आसान सवाल है, अगर एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है, एक बार हो गया तो होता रहेगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ रुकेगा, वापस आएगा, यहाँ रुक नहीं पाएगा, वापस चला जाएगा, यहाँ रुकेगा, वापस आएगा। यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, स्पीड मैक्सिमम होता है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, जीरो होती है, यहाँ जाके रुकता है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, तो इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भैया? तो वो प्लस ए एम्पलीट्यूड हो गया, और इधर देखोगे तो माइनस ए एम्पलीट्यूड हो गया। मतलब प्लस माइनस ए एम्पलीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द मैक्सिमम कट पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी, मतलब सी ऑप्शन सही है। व्हेन ऑसिलेटर कंप्लीट 100 ऑसिलेशन इस एम्पलीट्यूड रिड्यूस 1/3 ऑफ इनिशियल वैल्यू। अब देखो, अभी नया टाइप